नमस्कार, मैं हूं अनुराग। जैसा कि आपको पता है, सरकार ने जो किसानों की तीन जो कृषि कानून थे उनको वापस लेकर बात मान ली गई, जिसके बाद अब दिल्ली बॉर्डर से किसान वापस अपने घर को जाने लगे गए। इसी के चलते जो हांसी में जितने भी लोग हैं, लोकल में जो किसान गए, वो इन बॉर्डर से आने वाले किसानों का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ये तो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। ये देखिए, कांग्रेस के नेता गए, विकास रुनाच भी यहाँ पे है और भी काफ़ी सारे नेता गए, जो आरती गए वो लोग भी यहाँ पे है। तो फूल बरसाकर ये लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, दिल्ली हाईवे गए ये, और यहाँ से सीधा हाईवे 9 है ये जो रोड गए, और यहाँ पे जितने भी रोड पे किसान आते गए उनका फूल बरसाकर और कुछ फ्रूट्स देकर उनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। विकास नुना से सबसे पहले इनसे जान लेते हैं। विकास जी, क्या कहेंगे, जैसा कि आज आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है? आज मैं सबसे पहले जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जो भी जिन्होंने कुर्बानी 700 के करीब साद दे चुके हैं और आज जीत कर दिल्ली से घर की वापसी है, तो मैं सभी का जो 17-18 साल के युवा साथी थे हमारे और बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी इस आंदोलन में, मैं सबसे पहले उनको और उनके पूरे परिवार को दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उनका। और आने वाला समय जैसे भी जो भी किसान एकता ने एकता का बल दिखाया और इतनी अहंकारी सरकार थी जो कि इतने हमारे किसानों की शहादतें ली, इतनी कुर्बानियां ली, और आज की सरकार ने हार कर बिल्कुल चकनाचूर घमंड हो गया उनका, और आज चकनाचूर होने के बाद आज सरकार ने ये देखा आगे आने वाला भविष्य आपका खराब है, तो किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, इसलिए सरकार ने मांगे मानी और आज जीत कर घर किसान अपना एक एक साथी घर वापसी कर रहा है। और मैं यही कहूँगा सरकार को, अगर जब पहले ये बातें मान लेती तो इतनी साथे नहीं होती। विकास जी, कहीं ये मान के चल रहे हैं जो यूपी अभी चुनाव है या फिर आने वाले जितने भी स्टेट में चुनाव है उनको देखकर ये कृषि कानून वापस लिए गए हैं? बिल्कुल ये राइट बात है। ये 4-5 स्टेटों का इलेक्शन, अब तो इन मोदी सरकार ने ये देखा कि आने वाला समय आपका भविष्य खराब है और किसान तो सब एक हो चुका है, तो किसान एक हो चुका है तो मान ले आपकी सरकार आगे आने वाले टाइम में नहीं आएगी, तो इस करके उस चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये कानून वापस लिए है। क्या नाम जी आपका? मैं किरण मलिक हूँ। किरण जी, कैसा लग रहा है जी यहाँ पे, जो इतनी बड़ी जंग जीत के किसान वापस आ रहे हैं? इस चीज को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सारे समाज की सच्चाई की, जैसे कहते हैं ना, सत्य असत्य पर सत्य की विजय है, उसे जैसे रावण के ऊपर राम की विजय लगा लीजिए, हिंदू धर्म में हमारे कहते आए हैं कि हमेशा सत्य जीतता है, तो आज सत्य की जीत हुई है। और ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है। MSP पर हम इस मुद्दे पर फिर आएंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर वो बॉर्डर हमारे लिए तैयार है, वैसे ही हमारे घर जैसा हो गया है। और जैसे पंजाब, हरियाणा, UP या सारा देश के किसान आज एकजुट है संयुक्त मोर्चा के नीचे, इसके बैनर के नीचे, उसी तरह हम आगे भी ऐसा प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि देहात और जो ग्रामीण इलाका है, किसान भाई है, वो हर तरह से पिछड़े हुए हैं, उनको एजुकेशन, हेल्थ, हर सबसे ज़्यादा कमा कर देता है किसान ये देश कृषि प्रधान है और सबसे ज़्यादा कमाई कृषि से होती है, लेकिन वही लोग पिछड़े हुए हैं, उनको असुविधाएँ इतनी है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक जीत हुई है, आगे आने वाले वक्त में बहुत सारा लड़ाई हमने लड़नी है संयुक्त मोर्चा के अंदर। और इस तरह ये फूल बिखराओ हमारे आए साल 15 दिन का आंदोलन, इतने दिन बाद 700 से ज्यादा शहादतें दे। हाँ जी, 700 से तो कहीं ऊपर है, गिनती नहीं है जिनकी, वो शहीदों को नमन है। जो लखीमपुर खीरी में हुआ, वो क्या भूलेंगे हम? नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूला जाएगा। इस तरह की सरकारें शायद दोबारा रिपीट भी नहीं होती है जिन्होंने ऐसे जुल्म ढाए हैं, और ऐसे लोग, ऐसे प्रधानमंत्री भी रिपीट नहीं होने चाहिए जिन्होंने इतने जुल्म करे हैं, और इस चीज़ की माफ़ी नहीं होती है। उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो लोग वापिस ला सकते हैं हमारे, तो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन जो जिनकी जानें गई हैं वो माफ़ी के काबिल नहीं है।
कांग्रेस नेत्री भी हैं, किसान नेत्री भी? नहीं, मैं कांग्रेस मैं किसान नेत्री नहीं हूँ, किसान नेत्री नहीं हूँ, ना कांग्रेस नेत्री हूँ। आज मैं किसान की बेटी के तौर पर यहाँ हूँ। राजनीति घर खूंटी पे टांग के आते हैं। जब भी आंदोलन में गए हैं, मैं सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठने वाले लोगों में से थी। मैंने कभी राजनीति नहीं की है इस मुद्दे पर, ना कभी वोट मांगूंगी किसान के नाम पर मैं। लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हुआ, दिल को सुकून मिला। बस राहुल सर जी, किस तरह से आज यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है? जो 1 साल और 15 दिन के बाद किसानों ने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है और जो सरकार को झुकाने का काम किया है, सरकार जो है भाईचारा खराब करना चाह रही थी, ये किसानी की लड़ाई नहीं थी, ये जमीन और जमीर दोनों की लड़ाई थी। और इस लड़ाई से ये साबित हो गया, लोकतांत्रिक देश में जनता ही सर्वोच्च है। आज कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आज ये मत समझे भाई हम सदा उम्र रहेंगे। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रजा ही सर्वोच्च है। और किसानों ने जो जो जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश की गई थी, उस चीज़ को दरनिकार करते हुए और जो है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन लड़ा और इसमें जो है बहुत बड़ी जीत हासिल की। तो इसकी खुशी में आज सभी व्यापारी संगठन भी खुश हैं और किसानों का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी सही बात है कि जो आने वाले चुनाव गए यूपी में गए, उत्तराखंड या फिर पंजाब गए, काफ़ी सारी स्टेट हैं जहां पे चुनाव होने हैं, इन्हीं के चलते शायद जैसी अटकलें लगा रहे हैं जो अपोजिट पार्टियां हैं वो भी, या फिर आम जन के अंदर भी जो बातें आ रही है, कहीं ना कहीं ये फैक्ट जरूर गए कि किसानों ने जो 3 कृषि कानूनों की जो बात रख रहे थे, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला, इसके बाद अब 700 से ज़्यादा शहादत के बाद अचानक से सरकार अपना फैसला बदल लेती गए, बैकफुट पर आ जाती गए, 3 कृषि कानून वापस ले लेते गए। चलिए जो भी है, लेकिन एक खुशी का माहौल यहाँ पे किसानों में देखने को मिल रहा है और स्वागत आप देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये लोग कर रहे गए। आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। सामने देखिए, देखिए ये नारे लगाते हुए काफ़ी जोश इनमें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये बुजुर्ग है हमारे साथ। बाबू जी, कैसा लग रहा है? मतलब जीत के आ रहे हैं जंग? बहुत खुशी है। वो आज 1 साल 15 दिन हो गए उत्थे। कितना? 1 साल 15 दिन। 1 साल 15 दिन हो गए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगे हैं। आज जीत के आए हैं, बड़ी खुशी है। खुशी है। आज देखो ना कितना माहौल देखा, सारे रास्ते में देखा की कुछ हो जाए, कितनी लंगर लग गया, कितना कुछ हो जाए। देखिए काफ़ी खुशी है, बुजुर्ग हैं। ये देखिए सामने बॉर्डर से ही सीधे ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं और देखिए किस तरह से इनका स्वागत यहाँ पे फूल बरसाकर। ऊपर देख सकते हैं जो चारपाई वगैरह गए, टेंट हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। जब सीधे बॉर्डर से आ रहे हैं? हाँ जी, बॉर्डर कौन से उस पे थे आप? टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी पे? हाँ जी। तो किस तरह का माहौल अभी वहाँ पे देखने को? बहुत खुशियों का भंगड़े पै रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुश है किसान सारे इस फैसले पर जो बिल वापस हुआ है, बहुत खुश है किसान। पहले नहीं हो जाना चाहिए था ये? बिल्कुल हो जाना चाहिए। जो हमारे किसान भाइयों की सीधी हुई उसका हमें बहुत दुख है, जो हमारे से बिछड़ गए हमारे लोग उनका हमें दुख है। अगर पहले हो जाते तो इतनी सीधी नहीं होती किसानों। अभी अभी कहाँ जाएंगे आप? हम बठिंडे जिले से हैं, नथाना पिंड से। कितने कितने लोगों का काफिला है आपके साथ? अपने कुछ पीछे आ रहे हैं, 3 ट्रैक्टर से नथाने से। तो टेंट वगैरह वहीं रह रहे थे? नहीं नहीं, सारा टेंट वगैरह से उठा लिया, कुछ उससे दिया है। कितने वक्त से वहाँ थे? हम 26 नंबर अगले साल ही हो गए, पूरा एक एक साल। नहीं बिजली आ जाते थे बिजली, अप डाउन था? हाँ अप डाउन, हफ्ता लाता 10 दिन लाते फिर आगे आए चलता रहा। देखिए इन चेहरों से आप खुशी देख सकते हैं। ये देखिए ये लोग आ रहे हैं किस तरह से यहाँ पे, ये इनको फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन जो खुशी है किसानों के चेहरे पर, एक जंग जीतने की जो खुशी होती है, एक किला फतेह करने की जो खुशी होती है, वो इनके चेहरे से आप देख सकते हैं। आप देखते रहिए एंटी नेशनल, मैं अनुराग सिंह।